आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के समारोह के सम्माननीय अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री दिनेश त्रिवेदी जी, देश के मूर्धन्य पत्रकारों में जिनके नाम दर्ज हैं और पत्रकार संघ के अखिल भारतीय फेडरेशन जो है IFWJ इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट उसके कई बार अध्यक्ष रह चुके हैं, श्री विक्रमराव जी, राष्ट्रधर्म प्रकाशन से जुड़े हैं सर्वेश्वर जी, पवन जी, पत्रिका के संपादक प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे जी, सभागार में उपस्थित सभी विद्वज्जन, समाज को समय समय पर मार्गदर्शन देने वाले सभी प्रमुख हस्तियां, बहनों और भाइयों, आज के इस कार्यक्रम के उद्देश्य और इसके महत्व और इसके पृष्ठभूमि और आज इस पत्रिका के 75 वर्ष पूर्ण होने पर इस संस्था के हीरक जयंती के कार्यक्रम के इस सारे वातावरण में कई बातें अब तक हम यहाँ सुने हैं जो देश समाज के संदर्भ में निष्ठा से समर्पण भाव से कार्य करने वाले सभी के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रधर्म प्रकाशन राष्ट्रधर्म पत्रिका से अभी तक जुड़े इस कार्य को यहां तक लेकर आने में अपने सब कुछ इस कार्य के लिए समर्पित किए प्रारंभ से जिन्होंने किए हैं उन सभी का स्मरण भी करता हूं जो इस दुनिया में आज नहीं है और जो अभी हैं जिनके नामस्मरण से भी प्रेरणा लेकर वर्तमान टीम काम करती है उन सबके मैं सारे समाज की ओर से कृतज्ञता समर्पित करता हूं, धन्यवाद कहना चाहता हूं और वर्तमान में राष्ट्रधर्म प्रकाशन को युगानुकूल परिवर्तन के साथ साथ इसको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करते हुए, जैसे आपने देखा अभी वेबसाइट का लोकार्पण हुआ और राष्ट्रधर्म पहले जिस प्रकार से उस समय की क्षमता और सामर्थ्य और टेक्नोलॉजी के आधार पर जो छपता था और राष्ट्रधर्म भी बहुत टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए बहुवर्णीय और विन्यास से भी आज के जमाने के हिसाब से कम नहीं है, ऐसे करते हुए अपने विचार को पकड़कर जिस अधिष्ठान पर चले हैं उसके साथ समझौता न करते हुए जो लोग अभी वर्तमान में चला रहे हैं उनका हार्दिक अभिनंदन। और जैसे अभी आपने बताया राष्ट्रधर्म के शताब्दी वर्ष पर हम सभी, आपने कहा इस सभागार में, इससे भी बड़े सभागार में, तो ऐसे शुभकामनाएं भी मैं देना चाहता हूं। विक्रमराव जी ने जब पवन जी बता रहे थे शताब्दी वर्ष के बारे में, उन्होंने मुझे बताया क्रिकेट में सेंचुरी मारने के लिए कहते हैं, आप कह दो, मैंने कहा सेंचुरी मारेंगे लेकिन छक्के और चौके मारने वाले ज्यादा चाहिए, तो उसको भी आप करेंगे ऐसे मेरा विश्वास है। बंधुओं, राष्ट्रधर्म पत्रिका के प्रारंभ देश स्वाधीन होते हुए ही 15 दिन के अंदर
यह कार्य प्रारंभ हुआ। 15 दिन के अंदर कोई निर्णय करके इतना बड़ा काम नहीं शुरू होता। उससे पहले कुछ राष्ट्र समर्पित समाज प्रेमी लोगों ने इस विषय के लिए जरूर चर्चा की होगी, बैठक की होगी, कौन क्या करेंगे इसे सोचा होगा। तो जिस व्यायामशाला में, जिस पाठशाला में तैयार हुए लोगों ने इस कार्य को हाथ लगाए, तो उन्होंने ये सारी तैयारी करके आगे बढ़े होंगे। एक ही तैयारी करते नहीं है, वो धन और आर्थिक वो कैसे आएगा इसकी तैयारी नहीं करते, कूदते हैं, बाद में देखा जाएगा, ऐसे होता है। वो आज भी वैसे ही चलता है। तो उन्होंने स्वाधीनता प्राप्त होते ही रक्षाबंधन के सुमुहूर्त पर देश राष्ट्र के प्रबोधन करने का यह एक महत्वपूर्ण कार्य का श्री गणेश हुआ। अब स्वाधीनता के अमृत वर्ष अभी अभी हमने मनाया, जैसे सरसंघचालक के मोहनराव भागवत जी ने अपने संदेश में कहा है, आने वाले अमृत काल में राष्ट्र धर्म के यह कार्य और भी सुदृढ़ होकर, प्रभावी होकर आगे बढ़े, यह शुभकामनाएं उनके हैं। उनकी शुभकामनाएं के साथ हम सबके आवाज तो है ही। राष्ट्र धर्म जो उसके परिचय तो जैसे पहले दिन ही परिचय की जो कविता श्रद्धेय अटल जी ने पहले अंक में ही छाप दिए, तो परिचय क्या है, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग मेरा हिंदू भाई, यही परिचय है। तो इसी को राष्ट्र धर्म माना है, इसलिए पत्रिका का नाम राष्ट्र धर्म है, प्रकाशन संस्था का नाम राष्ट्र धर्म है। लेकिन इस राष्ट्र धर्म के जो लोगो है आपने देखा होगा वहां नीचे लिखा है, उद्देश्य तो कृणवंतो विश्वमार्यम है, क्योंकि भारत के जो व्यक्ति है वो छोटे मोटे सपने नहीं देखता है, सारे मानवता के, सारे सृष्टि के, सारे विश्व के कल्याण की बातें वो करते हैं। छोटा बालक घर पे महाराष्ट्र के एक गांव में बैठा हुआ था, तो माँ ने उनको करा खाने के लिए या के लिए, तो नारायण क्या कर रहे हो जल्दी आओ। तो छोटा बालक नारायण ने कहा, विश्वास कर दो, चिंता कर दो विश्वास, यानी विश्व की मैं चिंता कर रहा हूं। छोटा बालक नारायण कहता है, मैं विश्व की चिंता कर रहा हूं। वही नारायण आगे जाकर समर्थ रामदास बने। तो भारत के मिट्टी के ये स्वभाव है, एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मना संतम चरित्रं शिक्षेरं पृथिव्या सर्वमानवा। हम सारे विश्व को चरित्र के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरणा देने वाले एक समाज को यहाँ सफलतापूर्वक सार्थकता से निर्माण करने के बाद आत्मविश्वास से हमने दुनिया के लोगों को यह बताया, आइए यहाँ दुनिया के सभी लोग आकर जीवन कैसे जीना चाहिए इसकी कला सीख के आप अपने अपने देश में जाइए। कृणवंतो विश्वमार्यम, सारे विश्व के कल्याण करना चाहिए। तो इसलिए सभी को यही उद्देश्य है राष्ट्र धर्म, जिसे महर्षि अरविंदो ने दो चरणों के बाद है। एक राष्ट्रभाव को जागृत करते हुए उसके चेतना के स्तर को ऊपर उठाकर समग्र राष्ट्र को विश्व की चेतना को पकड़ने के लिए, उसके उन्होंने अति मानवता के स्तर पर भी जाने के लिए इस देश के लोग अपनी साधना करनी चाहिए। और वह यह संभव है क्योंकि इस पुण्य भूमि में हजारों हजारों वर्षों से उस प्रकार की तपस्या साधना किए हुए लोग रहने के कारण वो ऐसे संकीर्णता से छोटे मन से सोचते नहीं, तो इसलिए सारे विश्व की बात कर। और राष्ट्र धर्म ने अपने हर
अंक में और दो पंक्ति को छापते हैं। राष्ट्र धर्म तो कल्पवृक्ष है, संघ शक्ति ध्रुव तारा है, बने जगत गुरु भारत फिर से, यह संकल्प हमारा है। स्पष्ट है इन दो पंक्तियों में और ये तुरंत तो विश्वमय में, तो इन सारे पते स्पष्ट हो जाता है क्या करना चाहे। स्वाधीनता के प्रथम किरण यहां उभर कर आ रही, उसी समय कुछ नौजवान लोगों ने, उस समय अटल जी और दीनदयाल जी के आयु क्या आपके देखिए, तो इन लोगों ने संघ शक्ति ध्रुव तारा है इस आधार पर भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए राष्ट्र धर्म के संकल्प उन्होंने लिया। तो इसी आधार पर, इसी मार्ग पर, इसी लक्ष्य को लेकर राष्ट्र धर्म 75 वर्ष पूर्ण करके अब आगे बढ़ने का संकल्प किया है। स्वभाव के इस समय में कुछ बातें आपके सम्मुख विचार के लिए, जो राष्ट्र धर्म जिस विचार से जुड़ा है उसके ही कार्यकर्ता कहलाते, रखने का कुछ प्रयास नहीं करूंगा। तो राष्ट्र धर्म के एक पत्रिका है, समाचार पत्र और विचार पत्र के बारे में माननीय विक्रम राव जी ने कहा। विक्रम राव जी भी अपने राष्ट्र धर्म को निभाते हुए पत्रिका क्षेत्र में देश के आपातकाल में वो भी 13-14 महीने कारावास का अनुभव किया। बड़ौदा डायनामाइट केस के जो भी प्रकरण है, मैं एमए का विद्यार्थी था बेंगलुरु में, कट्टाबी राम रेड्डी और स्नेहलता रेड्डी जेल में महिलाओं के बराक में थी, माननीय अडवाणी जी, देवेगौड़ा जी, जयेश पटेल जी, ये सारे लोग एक बराक में रहते थे एक क्लास में, कि जनप्रतिनिधि होने के कारण उनको सुविधा तो मैं नहीं कहूंगा, अलग रहने के लिए सुविधा क्या थी जेल में हमको मालूम है, और हम लोग बी क्लास में थे। तो विक्रम राव जी के परम मित्र वेंकट राम जी और मैं, हम सब साथ में रहे। वेंकट राम जी उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे और जॉर्ज फर्नांडिस के छोटे भाई लॉरेंस फर्नांडिस को लेके आए थे, लेकिन अपने कौन एमएलसी थे, हाँ, तो माइकल फर्नांडिस वो लेबर है, वो गृहस्थी नहीं रहे। तो मैं उनको कहता था आप सोशलिस्ट पार्टी में प्रचारक हैं, तो हम सब जेल में रहे। तो वहीं से इसका ज्ञान विक्रम राव जी जिस प्रकार के उस समय अपने पत्रकारिता क्षेत्र में भी अपने नाना जी के उल्लेख भी उन्होंने किया, तो उस सारे प्रकरण में अपने राष्ट्र धर्म को निभाने के लिए विक्रम राव जी जैसे लोगों ने किसी भी समझौता न करते हुए देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सब प्रकार के कष्ट को सहन करने के लिए तैयार हुए, आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र मजबूत होकर आगे बढ़ रहा है। उस पीढ़ी के काम को यहां बहुत सारे लोग उसमें सहभागी रहे हैं मुझे मालूम है, तो वर्तमान पीढ़ी को भी मालूम होनी चाहिए। तो पत्रकार के संदर्भ में अटल जी ने एक बार एक बात कही थी, तो जो दैनिक पत्रिका है वो समाचार के लिए, डेली इस पर समाचार, जो साप्ताहिक पत्रिका है वीकली वो प्रचार के लिए कैंपेन, और जो मासिक पत्रिका है वो विचार के लिए, दैनिक समाचार के लिए, साप्ताहिक
प्रचार के लिए और मासिक विचार के लिए। तो राष्ट्रधर्म तो एक वैचारिक अधिष्ठान को लेकर अभी तक अपनी यात्रा किए, ये सब स्पष्ट है, बार बार इसका उल्लेख भी हुआ है। तो राष्ट्र धर्म कहा गया है, धर्म के बारे में भी माननीय न्यायाधीश ने, न्यायमूर्ति ने उल्लेख भी किया। धर्म शाश्वत हो या युग धर्म हो, दो प्रकार के धर्म है, कुछ शाश्वत धर्म है, युग धर्म है, और तीसरा है कि व्यक्ति धर्म है। एक पुत्र के नाते, पति के नाते, राजा के नाते, सेवक के नाते, किसी प्रकार के हर व्यक्ति के अपने अपने कार्य के अनुरूप एक धर्म के मार्ग पर चलना पड़ता है, कर्तव्य है। इसलिए राजधर्म है, इसलिए व्यक्ति के हर प्रकार के अपने कार्य करते समय जिस रास्ते पर चलने से समाज हित होता है उसी को धर्म कहा गया है। ये केवल व्यक्ति के अपने स्वभाव, अपनी इच्छा, अपनी लालसा के कारण नहीं है। आप इस धर्म को पालन कर रहे हैं क्योंकि समष्टि हित के लिए, तो लोक हित के लिए करना है। ये राष्ट्र धर्म में अपने प्रकाशन के संस्था जो पुस्तकों के है उसका नाम लोक हित रखा है। तो धर्म में शाश्वत धर्म और युग धर्म दोनों है। इस शाश्वत धर्म हो, युग धर्म हो, व्यक्ति धर्म, इन सभी में राष्ट्र धर्म को हम भूल कर कोई भी कर नहीं सकते। हर विषय आज के युग धर्म भी राष्ट्र धर्म के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसके प्रकाश में है कि नहीं, उसके साथ सामंजस्य है कि नहीं। इसलिए मुझे मेरे व्यक्ति धर्म के पालन के समय युग धर्म और शाश्वत धर्म और राष्ट्र धर्म, इसको इस सामंजस्य से ही मुझे चलना पड़ेगा। जहां इस सामंजस्य में, इस संतुलन में थोड़ा सा यदि व्यवधान आ गया, उसमें भी बाधा आ गई, तो कहते हैं संविधान के भाषा में वो है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस चाहिए, वो बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसलिए इस बैलेंस को, इस संतुलन को, इस सामंजस्य को बनाए रखने का, समन्वय से चलने का यह प्रयत्न समाज के हर इकाई को करने हैं, समाज को भी करने हैं। यहां लोकतंत्र के चारों इकाई इस सभागार में विद्यमान है, दो मंच पर हैं, दो सभागार में हैं, विधायिका और कार्यपालिका के लोग यहाँ बैठे हैं, हृदय दीक्षित जी हैं और अजय जी हैं, यहाँ उप मुख्यमंत्री भी आए थे, और न्यायांग और चौथे स्तंभ जिसको कहते हैं। तो ये एक बैलेंस जैसे इनमें रहने चाहिए, तो इसलिए वो संतुलन तो लोकतंत्र के लिए आवश्यक है, ऐसे हम मानते हैं। राष्ट्र के हित होना है, समाज के कल्याण होने चाहिए, देश की उन्नति और प्रगति होते हैं, जो इनके साथ साथ इस लोकतंत्र के चार स्तंभों के जो संतुलन होना चाहिए, ऐसे व्यक्ति धर्म, युग धर्म, शाश्वत धर्म, उसके बैलेंस करने के लिए राष्ट्र धर्म के एक तत्व को ध्यान में रखकर ही करना पड़ेगा। यदि राष्ट्र धर्म के साथ समझौता होकर उसके नजरअंदाज करके उसके विरुद्ध में कोई भी चलता है, वह सामंजस्य को बिगाड़ देता है और उसके कारण हर प्रकार की हानि होती है। इस राष्ट्र धर्म के इस तत्व को बनाए रखना, इसके लिए एक वैचारिक स्पष्टता और वैचारिक शुद्धता चाहिए। राष्ट्र क्या है, राष्ट्रहित किसमें है, इसमें कई प्रकार के कंफ्यूजन्स अंग्रेजों के जमाने से जानबूझकर उसको डालने के, सृष्टि करने के, निर्माण करने के प्रयत्न जो हुआ, वह दुर्भाग्य से पिछले 75 वर्षों में स्वाधीन भारत में
वह कंटिन्यू हो गया। अंग्रेजों ने प्रयत्न किया भारत के बारे में, उन्होंने सब कॉन्टिनेंट कहा, आर्य और द्राविड़, इस मिथ को, इस मिथक को उन्होंने जानबूझकर भारत के अंदर स्थापित करने के प्रयत्न किया, उसमें वो सफल हो गए और पीढ़ियों तक का हम आर्य और द्राविड़ के इस चीजों को बताते रहे। आज भी विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वो बाहर आते तो थे, वो भी नई शिक्षा नीति में पाठ्यक्रम में जो सुधार होकर होगा देख रहे हैं, लेकिन इसी को जानबूझकर भारत एक राष्ट्र नहीं है, बहुराष्ट्रीय राज्य है, इसलिए मल्टीनेशनल स्टेट। भारत एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है, एक जन है। तो इस जन में विविधता है, विविधता जो है वो परस्पर द्वेष नहीं है। डिफरेंस जो है वह सेपरेशन नहीं है, अपोजिशन नहीं है। विविधता यहां यहां के सौंदर्य है, यहां की सुंदरता है। विविधता के साथ रहने के प्रयत्न भारतवर्ष ने युगों युगों से किया है। यस्यैवा समुपासते यस्यैति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्धैति कथयेत् नैयायिका अरन्नित्य जैन शासन रता क्रमेति मीमांसका सोयं नो विदधातु वांछित फलं त्रैलोक्य रातो हरि अथवा एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति। इन सारे चीजों को क्यों कहा गया? आप अलग अलग मार्ग से हो सकते हैं, आपकी अनुभूति भिन्न भिन्न हो सकती है, लेकिन हम सब एक हैं। इस एकता को, इस एकात्मता को, इस एकता के तत्व को भारत के लोगों ने आसे तो हिमाचल युगों से इसको पकड़ के रखा है। लेकिन इस पर चोट करने के लिए अंग्रेजी ने तो प्रयत्न किया है, बिकॉज दे हैड अ वेस्टर्न इंटरेस्ट। लेकिन भारत में, स्वतंत्र भारत में उसी को परम सत्य है ऐसे उसकी आराधना करते हुए आज तक चलाने के जो कार्य किया वह राष्ट्र के साथ अन्याय किए। क्योंकि एक कॉलोनाइज्ड माइंड, गुलामी की मानसिकता, इस गुलामी से स्वाधीनता चाहिए। 15 अगस्त 1947 को राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र तो मिला, लेकिन बौद्धिक स्वातंत्र के बाद मुझे लगता है जब राष्ट्रधर्म प्रकाशन और राष्ट्रधर्म पत्रिका के प्रारंभ हुआ, इस बौद्धिक गुलामी से भी मुक्त होने के लिए एक प्रयत्न के नाते राष्ट्रधर्म का प्रारंभ हुआ। यह अवश्य और हम आज देखते हैं भाषा के विरोधी नहीं है। अब अंग्रेजी के गुलाम क्यों बन गए? मैं इंग्लिश साहित्य का विद्यार्थी हूं, मैं कन्नड़ भाषी हूं, आप तेलुगु भाषी हैं, हम दोनों हिंदी बोल रहे हैं। भारत की भाषा को सीखने के लिए घर घर में क्यों प्रयत्न नहीं हो सकता? संघ ने हिंदुस्तान के हर भाषा के गीत को संघ के शिक्षा वर्ग में संघ के कार्यकर्ताओं को सिखाने का प्रयत्न करता है। अभी मैं नागपुर से आया, वहां तृतीय वर्ष का वर्ग चल रहा है, वहां एक गीत हिंदी में और एक गीत तेलुगु में। आए हुए 650 शिक्षार्थी हिंदुस्तान के हर राज्य से आए हैं, वो सभी लोग तेलुगु गीत सीख कर जाएंगे, उसके अर्थ भी बता रहे हैं। भाषा के बारे में विक्रम रोज कह रहे थे, ये प्रयत्न कर रहे हैं। संघ शक्ति ध्रुव तारा है, ऐसे पुख्ता विचार नहीं है, यह आधार है हमारा। तो भारत के हर भाषा को राष्ट्रीय भाषा कहा पूजनीय गुरु जी ने। हाँ, हो सकता है कोई एक संपर्क भाषा हो सकती है, कर रहे हैं, लेकिन भारत के हर भाषा राष्ट्रीय भाषा है। तो भाषा के बारे में, लेकिन यहां गुलामी क्यों है? कई वर्षों तक का भारत के बजट संसद में कब पेश करते थे? शाम 5 बजे। क्यों भाई शाम को 5 बजे 6 बजे क्यों? भारत के स्टॉक मार्केट, यहां के शेयर मार्केट बंद होने का समय,
या उस समय बजट पेश होता था, 5.5 घंटे पीछे जाइए, सुबह 11 बजे 11:30 बजे इंग्लैंड में उनके लिए अनुकूल था, वो चल पड़ा था। अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, ये विचार आया, देखो भैया ऐसे नहीं है, इसको हम बदल कर सुबह करेंगे। तब से हिंदुस्तान के संसद में बजट पेश होता है सुबह 11 बजे, जब अपने देश के शेयर और स्टॉक मार्केट खुलता है। हम अंग्रेजों के हिसाब से क्यों चलना चाहिए? राजपथ को कर्तव्य पथ बनाने के विचार कहां से आया? विक्टोरिया रानी के मूर्ति जहां थी वहां सुभाष बोस के मूर्ति रखना, यह विचार क्यों किया गया? डीकोलोनाइजेशन ऑफ द माइंड, ये जो भौतिक गुलामी है, मानसिक गुलामी है, इस गुलामी से बाहर आनी चाहिए। राम मनोहर लोहिया जी और दीनदयाल जी ने यही विचार रखा था। भारत के व्यवस्थाओं में भी, जैसे अभी शिक्षा नीति की चर्चा चल रही है, नई शिक्षा नीति आई है, उसका क्रियान्वयन की जो भी योजना बन रही है, आप देखिए भारत के कई व्यवस्थाओं के संदर्भ में अपने को सोचना पड़ेगा। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति आज मंच पर हैं, अपने देश की न्यायपालिका, ये क्या भारत के लिए अनुकूल है? इसमें भारतीयता क्या क्या है? मैं नहीं कह रहा हूं, इससे पूर्व के आज जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे पहले, कुछ से पहले के जस्टिस रमणा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे, अभी न्यायमूर्ति रमणा, उन्होंने एक भाषण में यह विचार व्यक्त किया, जो भारत के लीगल सिस्टम है, जुडिशियरी है, यह भारत के मिट्टी के अनुकूल नहीं है, भारत के वायुमंडल के अनुकूल नहीं है, यह बदलना चाहिए। इंडियन जुडिशियरी शुड बी इंडियनाइज्ड, ये भारत के मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं, जो जीवन भर उस न्यायपालिका के व्यवस्था को नजदीक से देखा है, अनुभव किया है, उसको चलाया है। तो इसका अर्थ यह है, देश स्वतंत्र होने के बाद अमृत काल में आज 75 वर्षों के पश्चात भी भारत को इस प्रकार के मानसिकता से, व्यवस्थाओं से, ऐसे अवधारणाओं से हमें मुक्त कराने के लिए बहुत एक अच्छा मजबूत प्रयास करना है। इसी को कहते हैं वैचारिक विमर्श को बदलना, द नैरेटिव हैज टू बी चेंज, ए न्यू नैरेटिव हैज टू बी क्रिएटेड, न्यू नैरेटिव हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। इसलिए भारत के जो वैचारिक विमर्श है, आख्यान है, इसकी दिशा बदलने, इसलिए अपने देश में क्या हुआ है, सेक्युलरिज्म के माया जाल में भारत के हिंदू यह कम्युनल हो गया। विवेकानंद किस विचार को लेकर दुनिया भर में बताया, वापिस आने के बाद 1897 में लाहौर में स्वामी जी ने जो भाषण दिया, आर्य समाज सिख पंथ के लोग तथाकथित सनातनी, इन सबको बताया, आप सभी एक मंच पर आएंगे, मैं वहां विचार करूंगा। और वहां उन्होंने हिंदू धर्म का आधार, उनके जो प्रसिद्ध भाषण है लाहौर के, उस भाषण को किया। जब उन तीनों को बताया एक साथ मंच पर रहेंगे, क्योंकि आप सब हिंदू हैं, यह स्वामी जी ने किया है, अब कम्युनल हो गए। तो इसलिए भारत के वैचारिक अधिष्ठान को, भारत के वैचारिक दिशा को समझकर आज कई प्रकार के इस मानसिक गुलामी के जो प्रवृत्तियां हैं उसको निराकरण करते हुए उससे स्वतंत्र पाने के लिए प्रयत्न करना आवश्यक है। तो इसलिए डीकोलोनाइजेशन एंड सेटिंग द न्यू नैरेटिव, यह आवश्यक हो गया। भारत हर क्षेत्र में तरक्की कर रहे,
पढ़े विज्ञान में, तंत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र में, वो तो करना ही है। युग क्या है, जमाने के हिसाब से जिस जिस दिशा में अपने को करना है, देश हित, राष्ट्र हित, समष्टि हित, सृष्टि हित को ध्यान में रखकर उन बातों में आगे बढ़ने के प्रयत्न सरकार को, समाज को निरंतर करते रहना चाहिए। लेकिन भारत किस आधार पर खड़े है, भारत भारत बनेगा क्यों? तो इसलिए भारत के जो आत्मा है, भारत के जो मूल अधिष्ठान के तत्व है, उसको पकड़कर हम दुनिया के किसी के विरोधी नहीं है। भारत ने कभी दुनिया के किसी के ऊपर दमन नहीं चलाया। अटल जी ने अपने जो गीत है उसमें उन्होंने कहा ही है, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर में नरसंहार किए, कोई बतलाए काबुल में जाकर कितनी मस्जिद तोड़े, भूभाग नहीं शत शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय। ये भारत का परिचय है। लेकिन विकृतीकरण करके इतिहास के चीजों को गलत रंग से प्रस्तुत करते हुए वर्तमान में कई प्रकार के संभ्रम को निर्माण करने का एक षड्यंत्र हिंदुस्तान में कई दशकों तक चल पड़ा। इसलिए इस दिशा को राष्ट्रीय दिशा के रूप में परिवर्तन करना जो लोक हित में है, इसलिए राष्ट्र धर्म का प्रयास है। इसलिए एक वैचारिक अधिष्ठान के आधार पर मानसिक गुलामी को तिलांजलि देना चाहिए। एक भारत के जो भारतीय मार्ग हैं, यहां के जो राष्ट्रीय विचार के पथ हैं, उसमें आवश्यक जो है उसको युगानुकूल परिवर्तन करेंगे। दीनदयाल जी ने कहा ही था, हम स्वदेशी को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करें। हम पुराणबंदी होकर, यथास्थिति वाली होकर, स्टेटस को इस होकर रहने की कोई जरूरत नहीं है। वो भारत के धर्म नहीं है। भारत ने हर युग धर्म को समझकर, अपने शाश्वत अधिष्ठान को समझकर, उन दोनों के संतुलन रखने का प्रयत्न करते आए। इसी में राष्ट्रहित भी है, सारे मानव कुल के हित भी है, यही करना पड़ेगा। इसलिए जो राष्ट्र धर्म के प्रयत्न हैं, तो यह राष्ट्राय स्वः इदं राष्ट्राय इदं न मम, इस विचार को लेकर चला है। श्रेष्ठ पत्रकार माखनलाल चतुर्वेदी जी ने एक जगह पर जो उनके कहना है कि अमर राष्ट्र, उदंड राष्ट्र, उन्मुक्त राष्ट्र यह मेरी बोली, यह सुधार समझौतों वाली मुझको भाती नहीं टिटोली। तो इसलिए अमर, उदंड, उन्मुक्त राष्ट्र की जो बात उन्होंने कही है, उस प्रखर राष्ट्रवाद के आधार पर लोकहित को साधित करते हुए राष्ट्र धर्म के यह अमृतकाल की यात्रा सफल हो, देश के जनता के प्रबोधन करने का यह कार्य अनवरत अनिर्बाध रूप से चले, समाज के सहयोग और आशीर्वाद निरंतर इसको प्राप्त होते रहे, राष्ट्र धर्म के इस कार्य में लगे हुए लोगों को एक सार्थकता की अनुभूति हो, आत्मसंतुष्टि हो, समाज के लिए जन प्रबोधन का यह प्रयास एक श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में हमेशा आगे बढ़ते रहे, इन्हीं कामनाओं के साथ मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सभी को नमस्कार।